आयुर्वेद की इस पवित्र पावन परंपरा को भारत सहित संपूर्ण विश्व में पहुंचाने वाले परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के पावन चरणों में नमन वंदन कर्नाटक से आए हुए आर्य वैश्य समुदाय के युवाओं की ओर से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। मैं आर्य वैश्य समाज के अध्यक्ष आदरणीय कोटेश्वर जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, और इसी तरह आदरणीय संतोष केलो जी, आइए हम सब मिलकर श्रद्धेय आचार्य श्री जी की दिव्य वाणी को सुनते हैं। सभी भक्तिपूर्वक श्रद्धा से मौन रहते हुए पूज्य श्री जी की दिव्य वाणी को का रसपान करेंगे। आज पतंजलि के इस पवित्र प्रांगण में आप सभी कर्नाटका प्रांत के यशस्वी ऊर्जावान जो कर्नाटका आर्यवैश्य युवाजन महासभा के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आप सबका भाई कोटेश्वर जी और बाकी उनकी पूरी टीम का मैं बहुत हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसके अवसर पर आप पतंजलि में आनंद ले रहे हैं, योग का भी, पतंजलि वातावरण का भी, और अच्छी बात है कि आप इस कार्यक्रम को इस संकल्प को सभी आप ऊर्जावान वैश्य आर्यजन जो आपने ये संकल्प लिया कि इसको स्वदेशी अभियान के साथ जोड़ करके इसको स्वदेशी अभियान के रूप में मनाया जाए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो आपकी स्वदेशी निष्ठा के लिए, स्वदेशी संकल्प के लिए, स्वदेशी सोच के लिए और देश में कुछ कर गुजरने की भावना के लिए मैं आप सबको बहुत ही नमन करता हूँ, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। तीन चार दिन पहले की बात है, मैं दिल्ली में था, वह भी स्वदेशी रेवोल्यूशन के ऊपर मेरे को कुछ बोलना था। बड़े बड़े दिग्गज प्रदेश के जो बड़े बड़े उद्योगपति और एमएनसीज के लोग उस कार्यक्रम में थे। दिल्ली में ताज पैलेस में मैं था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि स्वदेशी का जो आग्रह है, क्या आप जो स्वदेशी नहीं है उनको आप दुश्मन समझते हैं क्या? मैंने कहा हम दुश्मन तो नहीं समझते हैं, पर ये क्या है ये इनको तय करना होगा। मैंने एक उदाहरण दिया, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। जब हिंदुस्तान में कोलगेट शुरू हुआ, उनका क्या ऐड चलता था? वो कहते थे कि आप जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली हम लोग क्या यूज करते हैं मुंह को, दांत को साफ करने के लिए, हम टूथपेस्ट यूज करते, जैसे हम मंजन या तो यूज करते, या हम दातून यूज करते, या फिर हम हल्दी नमक और थोड़ा उसको मिला करके उसका पेस्ट करते, या फिर हम चारकोल का पाउडर करके उसका भी हम करते। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि ये नॉन साइंटिफिक है, आप यदि दातून करते हैं तो आपके गम्स डैमेज होते हैं, यदि आप मंजन करते हैं तो उसके अंदर जो पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर फंस जाएंगे, वो तुम्हारे दांत को खराब कर देंगे।
यानी हमको ऐसा प्रचारित किया गया कि जैसे हमारे बाप दादों का तो दांत ही नहीं थे। जब सारे दांत खराब करने वाली चीज वो करते होंगे तो दांत तो खत्म हो जाना चाहिए था उनका। परंतु यदि आप उठा करके देखोगे, आप अपने परिवार में भी आप देखेंगे, अपने जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, जो भी आपके बड़े हैं, यदि आप उनको देखोगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके दांत से उनके दांत ज़्यादा मजबूत हैं। तो वो क्या कर रहे थे फिर? वो एक तो प्रैक्टिकली दिख रहा है फील्ड में, दूसरा वो जो कह रहे हैं, यानी उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य हमारी दांतों की सुरक्षा करना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था कि ऐसा दो चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को बेचने के लिए, या तो भय दिखाओ, भय होगा तो आदमी क्या करेगा, बचने का प्रयास करेगा ना। जब हम आपको कह दें कि भाई तेरे को तो ना देख तेरा डायबिटीज हो गया, अब तू मरेगा, तो डायबिटीज से मरे या ना मरे वो भय से तो मरेगा, पक्की बात है। फिर यहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर उधर, वो क्या करेगा फिर? वो समाधान कम तलाश करता है, वो आदमी बेचैन होकर के कहीं ना कहीं कोई गलत कदम ज़्यादा उठा लेता है। तो ऐसे ही कि कहा कि इससे तो दांतें खराब हो जाएंगे, तो जो आप और हमारी जैसी जो नई पीढ़ी थी उसको क्या लगा कि सच में ये कहीं सही तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये माना, हमारी जो इंडियन जो मेंटेलिटी है ना, हम लोगों के पास दिमाग तो बहुत है पर उस दिमाग के अंदर एक कमी है, एक न्यूनता है, वो ये है कि हम लोग जो गुलाम रहे ना, जो परतंत्रता जो हमारे को ला दी गई थी, हम सैकड़ों साल जो गुलाम रहे, हमारी जो गुलामियत की मानसिकता में एक मानसिकता ऐसी है कि जब हमारे को ये कह दिया जाता है कि ये कोई पश्चिमी देश का आदमी ने कहा है, वेस्टर्न कंट्री से कोई इंपोर्ट होकर के आई हुई चीज़ है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा बिलीव होता है। यदि हम उसको कल्चर और हमारी माटी की और देश की, यदि हमारी जड़ों की बात करें, तो हमको कई बार भरोसा कम होता है। तो उन लोगों ने कहा, हमको लगा ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े रिसर्च करते हैं, बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, ये वास्तव में इनका रिसर्च होगा, उसके लिए वो लोग डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं, उसके लिए थोड़े बहुत प्रूफ भी इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ उसके पेपर भी बना लेते हैं, कुछ आर्टिकल भी छाप लेते हैं। तो हमको लगने लगा कि ये तो बड़े साइंटिफिक लोग हैं, बड़े एडवांस 21वीं सदी के लोग हैं, हम तो पुराने ज़माने के लोग ठहरे, तो इन लोगों ने जो कहा वो तो सही कहा होगा। तो हमारे माइंड में हमने सेट कर लिया, कर लिया तो क्या हुआ, हम लोगों ने, मैं आपको एक छोटी सी बात आयुर्वेद से शुरू होता हूँ। आयुर्वेद में नित्य कर्म जो कही गई है, नित्य कर्म मतलब होता है जो हमको हर रोज करना है, उसमें से दंत धावन एक महत्वपूर्ण कर्म है। यानी इसका मतलब ये हुआ, वो जो अंग्रेज जंगली, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में एकदम इंटीरियर में चले जाओ, कर्नाटका से आप है, कर्नाटका के बिल्कुल गांव के कोने में चले जाना, जहां कोई भी भौतिक साधन नहीं है, फिर भी वहां माताएं बहनें घर के बाहर बैठ करके भी कोई लकड़ी लेकर के आपको दातुन करती हुई आज भी दिखाई देगी। कोई भाई दातुन करता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको पता है कि तुम अमेरिका और यूके में, यूरोप कंट्रीज में घूमने के लिए जाओ, क्या आप सोचते हो कि सब लोग टूथपेस्ट करते हैं डेली? यदि ऐसा सोचते हो तो आपको भ्रम है। आजकल ऐसे ऐसे जो च्युइंगम टाइप नहीं होता, च्युइंगम बबल गम, वो जो कभी कभी आप भी चापते होंगे, जिसको बिचारी जहाँ जहाँ भी गिरा चिड़िया खा करके न जाने कितने पक्षी भी मर जाते हैं, तो वो सुबह उठा करके वो चाप दे हम सारी कबाड़ा अंदर। अभी भी जिनको तुम पढ़े लिखे समझते हो, जिनको आदर्श मानते हो कि गोरी चमड़ी वाला तो पता नहीं क्या बुद्धि लेकर के पैदा हुआ है, चमड़ी में बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो यहाँ होती है अंदर, उसका कलर सबका एक ही है और हमारे पास ज़्यादा है। तो इसीलिए तो वो जो चीज़ है, हमको इतना भ्रमित कर दिया गया और हम लोगों ने सोचना शुरू किया, सच में ये कह रहे हैं क्या? छोड़, लोगों को ये नहीं पता है कि ब्रश कैसे पकड़ा जाता है, ब्रश कैसे किया जाता है, लिया मुँह में और सब रगड़ मार रहे हैं केमिकल। और दुर्भाग्य से अब तो फिर भी सुधर गए, पहले कैल्शियम के नाम पर सारे हड्डियों का चूरा। तो ये जो चीज़ें थी, हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, सब कुछ को इन्होंने हिलाने का काम किया। क्यों? क्योंकि उनका काम वह आपसे प्यार करना उनका काम नहीं था,
देश की समृद्धि से भी उनका मतलब नहीं था, देश की संस्कृति से भी उनका मतलब नहीं था, उनका मतलब था अपने प्रोडक्ट को बेचना। तो हम क्या हुए, हम दो ही चीज बने उनके लिए, या तो हम बाजार बने, क्षमा करिएगा, तो हम गिनी पिग बने, एक्सपेरिमेंट सेंटर बना दिया हमको। अभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर दुनिया की जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जिन दवाइयों का साइड इफेक्ट और रिएक्शन भयानक हैं, उस तरह के मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट का काम जो है इंडिया में किया जाता है। कुछ तो परमिशन से होता है, विदाउट परमिशन के भी बड़े लेवल पर का काम होता है। यदि हमारे अंदर स्वदेशी की भावना जागृत होती ना, स्वदेशी का मतलब क्या सोचते हैं आप, स्वदेशी का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है, स्वदेशी का मतलब फीलिंग है, अंदर की हमारे अंदर की इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी सोच है, वह स्वदेशी है। तो वह स्वदेशी की जो सोच की उद्गम भी यह भारतवर्ष है, ध्यान रख लेना आप। दुनिया में तो संस्कृति नहीं थी, परंपराएं नहीं थी, तो वो क्या जाने कि स्वदेशी क्या होती है। दुर्भाग्य से हम भी कहीं भूल गए, तो मैं आपको बता रहा था टूथपेस्ट की बात। तो हमारे यहां जो दंत धावन की विधा आयुर्वेद में वर्णित है कि क्या दांतों लेनी चाहिए, कितनी बड़ी लंबी होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, ये सब कुछ साइंस है, साइंटिफिक है। उसके ऊपर ऋषियों ने वर्षों वर्षों रिसर्च किया, वर्षों वर्षों काम किया, करने के बाद उन्होंने काम को बताया किस ऋतु में कौन सा करना चाहिए। तो हमारे यहाँ से सारी चीज़ें थी, हम करते थे, करते 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 वो सारी परंपराओं को ध्वस्त करने का काम किया। इतना तक भी हो गया कि हमको लगता था कि कोई यदि दातुन कर रहा है ना, तो वो जंगली है, और कोई ब्रश में रगड़ रहा तो हमको लगता है ये तो बिल्कुल एडवांस स्थिति का है। तो गांव में, शहरों में तो छोड़ दो, जहां आज भी आराम से दातुन अवेलेबल है, आपके कर्नाटका में, उधर साउथ में नीम बहुत है, बबूल भी कुछ एरिया में है, किक्कड़, मौलसरी भी वहां पर होता है, करंज भी होता है, बहुत सारे पेड़ हैं, बांस का सॉफ्ट वाली वैरायटी होती है जो दातुन कर सकते हैं, तो बहुत है। तो हमको ऐसा बना दिया, इतना जलील कर दिया गया कि कोई दातुन भी करना चाहे ना तो दातुन क्या करेगा, वो बेचारा या तो खेत में या चोरी छिपे कर ले तो ठीक है, यदि लोग बैठे हों बीच में या ऐसी कहीं जा रहा हो तो अपने साथ दातुन लेकर के नहीं चल सकता आदमी, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी बना दी गई कि दातुन रखने वाला वो नॉन साइंटिफिक है, ये दकियानुसी है, ये तो रूढ़िवादी है, ये तो पता नहीं क्या है। तो ये किसने किया, यदि स्वदेशी की बात होती, संस्कृति की बात होती, तो हमारे अंदर इतनी हीनता पैदा नहीं की जाती, इतनी हीनता पैदा कर दी गई हमको, और हम उसमें जीने लगे, हमको पता भी नहीं चला। इतना ही नहीं, मैं उदाहरण के लिए एक ही जगह से शुरू हो रहा हूँ, बाकी भी आपको दूंगा। दूसरा, इन्होंने क्या किया, कभी आपने सोचा कि टूथपेस्ट बेचने के नाम पर उन्होंने हमारी संस्कृति बेच डाली, प्रोडक्ट बेचने के नाम पर उन्होंने हमारे सब परिवारों को सत्यानाश कर दिया, कभी आपने ये सोचा। टीवी में जब ऐड चलता है, आपने देखा कि हमारी माँ बहन बेटियों को कैसे परोसा जाता है। यदि कि स्वदेशी की बात होती तो ये कभी ना होती, क्योंकि उनको स्वदेशी से लेना देना नहीं है। स्वदेशी का मतलब संस्कृति, स्वदेशी का मतलब स्वाभिमान, स्वदेशी का मतलब हमारी परंपरा, स्वदेशी का मतलब हमारी जो माटी से जुड़ी हुई चीज़ हैं, वह हमारा, वह स्वदेशी है, आपको ये समझना होगा। तो टूथपेस्ट बेचने के लिए क्या करा लोगों ने, लोगों ने ऐसा करा कि दांत दिखा करके, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, अब तो उनको अभी तो खदेड़ रहे हैं हम उनको, बाद में कहे कि लड़की पटाने का काम भी टूथपेस्ट से करने लग गए, ये तो पता है ना, ये ताजगी तूफानी, ये सब क्या है, अपसंस्कृति को बढ़ाया गया। ये स्वदेशी मिटने से अपसंस्कृति बढ़ी, चलो यहां तक तो ये तो सत्यानाश कर ही रहे थे, उसके बाद में क्या हुआ। देखो हम लोग कितने मूर्ख हैं, मैं आपको बता रहा हूं,
ये सब कुछ करते रहे फिर भी हम उनको स्वीकार करते रहे स्वीकार करते रहे। जब श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से यह स्वदेशी का मूवमेंट एक स्वरूप लेने लगा बड़े स्तर पर, जब इनकी जड़ें चूल्हे हिलने लगी, तो उनको फिर क्या याद आया? वो अपने केमिकल भूल गए, अपने पदार्थ की गुणवत्ता भूल गए, सब कुछ भूल गए। क्या याद आया? कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। अरे नमक तो हमारे में था, दूर किसने किया था? तुमने ही तो किया था। तुम्हारे टूथपेस्ट में नीम है। अरे नीम ही तो करते थे हम बैठ करके, और क्या कर रहे थे हम? ये काम इन्होंने करा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ वो पहले झूठे थे या अब झूठे हैं वो? मैं आपसे पूछता हूं, या तो पहले झूठे थे हमसे नीम नमक छुड़वाया, या अब झूठे हैं कहते कि नीम और नमक करो? तो झूठे तो वो, या तो पहले बताओ झूठ था या अब झूठ है। तो मैं कह रहा हूं कि वो महा झूठे हैं, तब भी झूठे थे, आज भी हैं। वो मौसम देख करके अपने आप को बदल रहे हैं। तुम्हारी दांतों की चिंता उनको नहीं है। तो दांतों की चिंता नहीं है तुम्हारी, तो जब तुम्हारी चिंता जो नहीं करता है उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो भाई? ये स्वदेशी है कि जो हमारे लिए हित नहीं कर सकता उसके पीछे हमको नहीं जाना है, क्योंकि वो मेरी संस्कृति नहीं है, वो मेरी संस्कृति नहीं है, मेरी परंपरा नहीं है। हमको अपनी संस्कृति और परंपरा में जीने का नाम ही स्वदेशी है। इसको दिल में बैठा लो। स्वदेशी सिर्फ कोई प्रोडक्ट और उत्पाद की बात नहीं है। कई बार हम बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपके यहां भी तो मशीनें भी तो विदेशी लग रही। अरे मेरे भाई, टेक्नोलॉजी ला करके दुनिया से यदि हम अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो कहीं से भी दुनिया से आ जाए वो स्वदेशी है, क्योंकि वो स्वदेशी के लिए। वो एंड यूज क्या है, इंटेंशन क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, ये हमको और आपको तय करना है। स्वदेशी के नाम पर बहुत संकुचित दकियानुसीन गलियों में, पतली गली में हमको नहीं जाना है, हमें पूरे चौड़े में रहना है। इसका उदाहरण क्या है? आज उन्होंने सारे अपने एड चेंज करने पड़े, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ी। और इतना ही नहीं, जब मैंने संस्कृत में एड देखा तो मैं बल्ले बल्ले हो गया। संस्कृत भाषा में एडवर्टाइजमेंट, जो हिंदी में भी नहीं करते थे, जो आपके कन्नड़ा में भी नहीं करते थे, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस को भी जो प्रश्रय नहीं देते थे, जो भारतीय भाषाओं को भी, जो संस्कृति को भी जिन्होंने नाश किया था, अब वो संस्कृत तक पहुंच गए। तो संस्कृत कोई उनसे उनकी रिश्तेदारी है, या आप ये मानते हैं कि वो संस्कृत के प्रति उनकी बड़ी रुचि है? नहीं, बात यह है अब आप जैसे युवक, देश के अवाम जग चुका है यह उनको पता चल चुका है। तो आप जगिए, हमको जगने की आवश्यकता है, हमको चेतन होने की आवश्यकता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, कि हम उठें जागें और अपने लक्ष्य को पहचानें। दरअसल हम ज़्यादा सो गए थे, तो जगाने का काम समय समय पर बड़े महापुरुषों ने किया है, बड़े क्रांतिकारियों ने किया है, संतों ने किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस माटी के हम उत्पाद हैं, जिस माटी ने पूरी दुनिया को जिंदगी कैसे जी जाती है सिखाया, उस ऋषि के हम लोग अनुगामी हैं, हम संवाहक हैं। तो कभी भी आप लोग अपने अंदर जो ऊर्जा का भाव है, जैसे मैंने कहा कि हम हर पल हम अपनी संस्कृति के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए, और हम हर क्षण यह सोचें कि यदि मैंने कुछ गलत किया तो उससे न केवल मैं, मेरा परिवार, अपितु मेरी संस्कृति कलंकित होगी। वो काम मैं नहीं होने दूंगा, ये संकल्प के साथ हम जी, ये स्वदेशी है। हर क्षण दीनता, हीनता, उदासी, आज जहां भी जाएं लोग स्ट्रेस की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, अवसाद की बात करते हैं,
क्या ये हमारी संस्कृति है? हमारी संस्कृति तो नहीं है। क्या ये हमारी परंपरा है? ये तो हमारी परंपरा नहीं है। हम तो जैमिनी, कणाद और ये सब पतंजलि और इन सब ऋषियों की परंपरा के हम संवाहक हैं। ये जो ये टेंशन वाली जो कल्चर है वो कहाँ की है? वो तो वेस्टर्न कल्चर है, तो ये स्वदेशी तो नहीं है, ये तो आयातित है, इम्पोर्ट किया हुआ हम लोगों ने। तो स्वदेशी का तो मतलब है कि तनाव मुक्त रहना, तो उसके लिए क्या करें? यदि तनाव में है, स्ट्रेस में है, बहुत बेचैन है, तो समझ लेना कि तुमने विदेशी वस्तु पाल रखी है, क्योंकि वो मेरे देश की चीज़ तो है नहीं भाई। तो सुदूर होने का क्या उपाय है? आप योग करो, जैसा हमने सुबह किया, प्राणायाम करो, ध्यान करो। इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन, वेद, उपनिषद, गीता सब क्या कहते हैं हमको? हमको यही तो कहते हैं कि जो मैंने किया है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, जो मैंने किया वो मुझे भोगना पड़ेगा, जो मैंने नहीं किया वो दुनिया कोई मुझे दे नहीं सकती। जब ये भाव हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर उस दुख को सहन करने की भी क्षमता आएगी, उसमें भी हम मस्ती से रहना सीखेंगे। यह बोध भी, यह शिक्षा भी आपको अपने जीवन में रखना चाहिए। जीवन की अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं, जीवन का संघर्ष चलता रहेगा, पर वो जीवन का संघर्ष से मुझे अपने आप को कभी विचलित नहीं होने देना है। ये संकल्प यदि आप हृदय में धारण करते हैं तो ये स्वदेशी है। तो स्वदेशी की परिभाषा बहुत छोटी परिपक्ष में नहीं है, पूरी ऋषि संस्कृति में, राष्ट्र संस्कृति में, महापुरुषों की सोच में और अपने पूर्वजों की याद में जीना स्वदेशी के पथ पर चलना है। तो पूरी दृढ़ता के साथ में, पूरे संकल्प के साथ में आप यहाँ आए हैं। आपकी बहुत भावनाएं हैं, बहुत दूर से आप आए हो, कोई भावनाएं तो हैं जो आपको यहाँ खींच के लाई, पर यहाँ से आप कुछ ऐसा लेकर के जाएं कि वो आपके जीवन के लिए वो आपका मिल का पत्थर बने। मैं यही चाहता हूँ, अपने ज्ञान की क्षमता को आप बढ़ाते रहें, विचार की क्षमता को बढ़ाते रहें, कहीं भी रहें। जैसे मैंने कहा, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, कभी नकारात्मकता नहीं आने देना, और अपनी संस्कृति परंपरा को कभी विस्मृत मत होने देना। बाकी दुनिया में कोई कैसा भी, कितनी भी विपदाएं, प्रतिकूलताएं, संघर्ष आ जाए, आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती, कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता आपका, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो पुनः मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सबको मेरा बहुत प्रणाम है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।